अगर आप प्लान कर रहे हैं एक बजट बाइक लेने का या फिर एक सुपर बाइक, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देख लें। इनसाइड गियर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशित, वेलकम बैक टू इनसाइड गियर। ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे अपकमिंग सुपर बाइक्स के बारे में, और साथ ही बात करेंगे बजट बाइक के बारे में। ये बाइक इंडिया में कुछ महीनों में लॉन्च होने वाली है, तो अगले कुछ मिनट्स बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों की। लेकिन आप देख रहे हैं कोई इनसाइड गियर का पहला वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, वो लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नीचे दिख रहे होंगे। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके जानते हैं बाइक्स की डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं अपकमिंग सुपर बाइक्स के बारे में। काफ़ी लोग जो हैं वो इन बाइकों का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और अब ये बाइकें जो हैं अगले कुछ महीनों में लॉन्च होने वाली हैं। तो सबसे पहले जिस बाइक की हम बात करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है वो कंपनी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ KTM सुपर ड्यूक 1290 आर की, जो दिखने में एकदम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही है। बाइक के जो लुक्स हैं वो एकदम इन्हेंस कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये बाइक जो है वो अग्रेसिव लग रही है। बाइक के बारे में अगर और ज़्यादा बात करें, तो यहाँ पे KTM ड्यूक 1290 आर में आपको 1300 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ पावर की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको 180 bhp का पावर जो है वो यहाँ पे आपको इसके इंजन में मिलने वाला है। साथ ही साथ बात करें अगर इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तो ड्यूल चैनल ABS सिस्टम जो है यहाँ पे वो लगाया गया है। फ्यूल टैंक की अगर बात करें यहाँ पे इस बाइक के बारे में, तो 16 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पे मिलने वाला है आपको। ये बाइक जो है नई चेसिस के साथ इंडिया में लॉन्च होने वाली है। साथ ही साथ बाइक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, और जितने जैसे ही नेकेड बाइक जो है अग्रेसिव लगती है दिखने में, वैसे ही ये बाइक है पूरी, और एकदम इन्हेंस कर रहे हैं ज़्यादा इसको, इसके लुक्स को। और अगर इंडिया के अगर बात करें इस बाइक के बारे में, तो एक ज़रूरी बात ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इस बाइक के सिर्फ 500 यूनिट ही बनाए जाएंगे। तो ये एक ज़रूरी बात है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि 500 यूनिट जो है वो इस बाइक के ऑल ओवर वर्ल्ड जो है बनाए जाएंगे। साथ ही साथ एक कमी इस बाइक में मेरे को लगी कि यहाँ पे आपको इसके मीटर में जो है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर जो है वो नहीं दिया जाएगा, तो ये यहाँ पे मेरे को मिसिंग लगा, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। साथ ही साथ बात करें इस बाइक के अगर प्राइस के बारे में, तो 12.5 लाख रुपये जो है इस बाइक का प्राइस इंडिया में होने वाला है, और साथ ही जून 2021 में जो है अगले महीने ही ये लॉन्च हो सकती है। और इस बाइक के अगर राइवल्स की अगर बात करें, तो इस बाइक के राइवल्स जो है वो डुकाटी स्ट्रीट फाइटर एस और साथ साथ ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल आर जैसी बाइकें जो है वो इस बाइक की जो है वो राइवल्स इंडिया में बताई जा रही हैं। KTM सुपर ड्यूक 1290 आर जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बाइक लग रही है देखने में, और ये बाइक जो है जब इंडिया में लॉन्च होगी, तो देखते हैं बाइक का इसका तो देखते हैं इस बाइक का रिस्पॉन्स जो है वो इंडिया में कैसा देखने को मिलने वाला है। अब चलते हैं अगली बाइक की तरफ, और अगली जो बाइक है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, और साथ ही साथ ये जो बाइक है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं बात कर रहा हूँ होंडा CBR 1000 RR-R की। ये बाइक आपको जो है वो इंडिया में अगले दो महीनों के अंदर जो है मिल सकती है। जुलाई में इस बाइक को शायद लॉन्च होना है। साथ ही साथ इस बाइक के बारे में अगर आपको और ज़्यादा बताऊँ, तो ये बाइक आपको जो है दो वेरियंट्स में और साथ ही साथ 3 कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। होंडा CBR 1000 RR-R के अगर और ज़्यादा बारे में आपको बताऊं, तो यहाँ पे आपको जो है वो दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। जो पहला वेरिएंट है इसका, उसको CBR, वो एक स्टैंडर्ड मॉडल है, और जो दूसरा वेरिएंट है वो यहाँ पे होने वाला है CBR 1000 RR-R SP। और दोनों वेरिएंट में फ़र्क क्या है मैं ये भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो जान लेते हैं कि बाइक, हालांकि बाइक ओवरऑल है कैसी। तो इंजन की अगर मैं बात करूँ, तो पहले यहाँ पे इंजन जो है आपको 1000 cc का मिलने वाला है। इंजन का जो टाइप है वो होने वाला है यहाँ पे लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक 16 वाल्व DOHC इनलाइन 4। हाँ जी, तो इनलाइन 4 इंजन के साथ जो है ये बाइक इंडियन मार्केट में आने वाली है। और पावर की अगर बारे में बात करूँ, तो पावर जो है ना इस बाइक का वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। 217 PS का पावर जो है वो ये जनरेट करेगी 14,500 RPM पे जाके। साथ ही साथ टॉर्क की अगर बारे में बात कर लें, तो 113 Nm का टॉर्क जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ फीचर्स की अगर हम बारे में बात करें, तो यहाँ पे कई सारे अपग्रेड फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्विक शिफ्टर इस बाइक में आपको मिलेगा, डिफरेंट राइडिंग मोड्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ड्यूल चैनल ABS जो है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है बाइक में। साथ ही अगर और ज़्यादा इस बाइक के बारे में बताएं,
तो ये जो वेरिएंट हैं ये आपको अलग अलग प्राइस पे भी देखने को मिलेंगे। जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो आपको 30 लाख रुपए के प्राइस पे देखने को मिलेगा, और जो एसपी वाला वेरिएंट है वो आपको 34 लाख रुपए के आसपास जो है वो देखने को मिल जाएगा। और राइवल्स की अगर बारे में बात करें इस बाइक के, तो इसका जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट राइवल है वो है BMW S1000 RR, और साथ ही Ducati Panigale इसका एक अच्छा हेड टू हेड राइवल्स है। साथ ही साथ हाल ही में लॉन्च हुई Kawasaki Ninja की ZX10R 2021 जो है वो इस बाइक का जो है क्लोजेस्ट राइवल है। तो ये थी Honda की CBR 1000 RR-R का एक डिटेल जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। बाइक जो है 2021 में जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये था कुछ इस तरह का इसका ओवरव्यू। अगली जो बाइक है, अगली बाइक की तरफ चलते हैं, और ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और यह है Kawasaki Ninja H2SX। जी हाँ, Kawasaki Ninja H2SX जो है वो इंडिया में सुपर चार्ज इंजन के साथ आने वाली है। और बाइक के बारे में अगर और ज़्यादा बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो बाइक में कई सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे जो रेगुलर H2 से काफ़ी अलग हैं। बात कर लेते हैं इसके साइड फियरिंग की, तो H2 में जहाँ हाफ फियरिंग है वो अब इसको बढ़ा के जो है H2SX में नीचे की तरफ जो फियरिंग है वो फुल फियरिंग बाइक है। और साथ ही साथ बात करें अगर इसके सिटिंग की, तो यहाँ पे आपको दो बंदों के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो काउल है यहाँ पे पीछे का बैक सीट का, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं है। तो निंजा H2SX जो है वो 2-सीटर यहाँ पे आपको आने वाली है, ये एक जानकारी अलग है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई। साथ ही साथ अगर बात करें और ज़्यादा इस बाइक के बारे में, तो इस बाइक में आपको 1998 सीसी का 4 सिलेंडर सुपर चार्ज इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसके पावर की अगर बारे में बात करें तो 200 पीएस का पावर जो है ये इंजन देगा। साथ ही साथ टॉर्क जो है इस बाइक का वो 137 न्यूटन मीटर जो है वो होने वाला है। फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो H2 के मुकाबले इसमें एक बड़ा फ्यूल टैंक लगाया गया है जो कि 19 लीटर का है, जो कि 2 लीटर ज़्यादा है H2 के फ्यूल टैंक से। और यहाँ पे आपको फीचर जो है वो फीचर भी तमाम मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को इस बाइक में मिल जाएगा। Kawasaki कॉर्नर मैनेजमेंट फंक्शन जो है KCMF जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हाई टेक इंस्ट्रूमेंटेशन का जो यूज इस बाइक में भरपूर किया गया है, क्विक शिफ्टर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। Kawasaki क्विक शिफ्टर वो भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। साथ ही साथ फुल कलर LCD डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड राइडिंग मोड्स भी यहाँ पे आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस बाइक के बारे में अगर और ज़्यादा बात करें तो हेड टू हेड ड्राइवर्स इस बाइक का भी फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन Honda गोल्ड विंग के साथ जो आप इसका कहीं ना कहीं कंपेरिजन कर सकते हैं। ये एक टूरिंग स्पोर्ट्स बाइक है, तो लॉन्च कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो H2SX में आपको देखने को मिल जाएंगी। और बाइक की अगर लॉन्चिंग की बात करें तो यहाँ पे ये बाइक अक्टूबर 2021 में लॉन्च हो सकती है। साथ ही साथ प्राइस की अगर बारे में बात करूँ तो बाइक का जो प्राइस है वो 23 लाख रुपए के आसपास वो होने वाला है। तो ये डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बता दी है Kawasaki Ninja H2SX के बारे में, सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब बात कर लेते हैं कुछ बजट बाइक्स के बारे में, और बजट बाइक्स की अगर बात करें तो बजाज जो है इंडिया में अपनी फ्लैगशिप बाइक को लॉन्च करने वाला है, जो कि है बजाज पल्सर RS 400। कुछ दिनों में बजाज पल्सर RS 400 भी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। और बाइक के अगर बारे में हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बाइक में आपको 373 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ 43 पीएस पावर जो है वो यहाँ पे वो इंजन जनरेट करेगा। तो कहीं ना कहीं अब KTM 390 के बराबर जो है वो ये इंजन जो है वो पावर प्रोड्यूस करने वाला है। साथ ही साथ बात करें अगर ट्रांसमिशन की, तो 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जो है ये बाइक आपको देखने को मिलने वाली है। एवरेज के बारे में बात करें तो बजाज क्लेम कर रहा है कि बाइक का जो एवरेज है वो 22 से 25 KMPL का होने वाला है। साथ ही साथ बाइक की जो टॉप स्पीड है उसको लेकर बजाज ने कहा है कि बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 165 KMPH तक जा सकती है। तो ये जो बाइक हेड टू हेड ड्राइवल्स करेगी KTM 390 को, ये मैंने आपको डिटेल यहाँ पे आपको इसकी बताई। साथ ही साथ बात करें बाइक में आपको ABS देखने को मिल जाएगा। बाइक के अगर ड्राइवल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हेड टू हेड ड्राइवल्स जो है वो KTM RC 390 है, उसके बाद निंजा 300 से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, बैनली की TNT 300 से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यामा की R3 जो है उससे भी यहाँ पे हम इसको कम्पीट कर सकते हैं। साथ ही साथ TVS की अपाचे RR 310 के साथ भी इसका जो कंपटीशन है वो किया जा सकता है। और बाइक के अगर प्राइस के बारे में बात करें तो
बजाज ने इसका प्राइस रखा है 1,70,000 रुपये के आसपास जो है ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगी। और इस बाइक की लॉन्चिंग डेट्स की अगर बारे में बताएं तो ये बाइक आपको जुलाई 2021 तक या फिर अगस्त तक मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं अगली बाइक की तरफ और इस लिस्ट में आखिरी बाइक की तरफ, रॉयल इनफील्ड रोडस्टर 650। आरी जो है 650 फैमिली को और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाने वाला है और इसी के साथ आरी लॉन्च करने वाला है अगले कुछ 2 महीने के आसपास रोडस्टर 650 को, जो कि जल्द ही आपको भारतीय सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आएगी। बाइक की अगर बारे में यहाँ पे आपको बताऊँ तो इसमें भी वही इंजन लगाया जाएगा जो कि इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी में कंपनी ने लगाया है। 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जो ट्रिप नेविगेटर की बात करें जो मिटियोर में कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया था, वो भी यहाँ पे आपको रोडस्टर में देखने को मिल जाएगा, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ जो है आएगा। बाइक की लॉन्चिंग की अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे बाइक आपको जो है जुलाई और अगस्त के बीच जो है वो मिल सकती है। बाइक जो है आपको जुलाई और अगस्त में जो है आप इसको जाके खरीद सकते हैं अगर लॉन्च हो जाएगी तो, रिपोर्ट जो है वो यही बता रही है। साथ ही साथ बाइक के अगर बारे में और ज़्यादा बात करें तो बाइक का जो इंजन का पावर है वो भी यहाँ पे सेम होने वाला है, तो 47.6 PS का पावर जो है इसका इंजन जो है प्रोड्यूस करेगा। साथ ही साथ 6-speed ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। स्लीपर क्लच जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थी कुछ आरी की रोडस्टर 650 की डिटेल जो है। बाइक के बारे में अगर और ज़्यादा मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको बाइक का जो सेगमेंट है वो क्रूज़र होने वाला है, और साथ ही बाइक जो है वो भी हाल फिलहाल में लॉन्च भी हो जाएगी। और अगर प्राइस के बारे में हम बात करें तो बाइक का जो प्राइस है वो 3.5 लाख रुपये के आसपास जो है वो रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी इसको फ्लैगशिप बाइक भी बना सकती है। तो ये थी इन सारी बाइकों की डिटेल। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें इनसाइड गियर को। बहुत ही जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।